हम लोग देख रहे हैं कि सरकारें जानवरों की तो गणना कराती हैं, किसके घर में कितनी बकरी है, कितनी गाय हैं, कितना बैल है, ये होता है। लेकिन 1931 के बाद देश में जातीय जनगणना नहीं हुआ और हम और हमारी पार्टी इसके लिए लंबे समय से लड़ भी रहे हैं। पिछले दिनों जब महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तो सरकार का हमने बाहर से समर्थन किया और लोकहित के सवालों पर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर अपनी लड़ाई को जारी रखा और हमने मजबूती से ये सवाल उठाया कि जातीय गणना हो। बिहार में जातीय गणना हुई और आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया गया, जिस पर हाई कोर्ट का अभी स्टे है। और इस सवाल को हम लोगों ने लोकसभा के अंदर भी उठाया, लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर मकर द्वार पर हम लोगों ने एक दिन प्रदर्शन किया, जिसमें CPIML, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के अधिकांश सांसद थे वहाँ उस दिन। तो ये सवाल उठाया हमने, अंदर भी उठा, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें हम लोग इस सवाल को प्रमुखता के साथ, गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उठाएंगे और पूरे नेता प्रतिपक्ष को और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को, सांसदों को हम लोग इसके लिए गुलबंद करने का काम करेंगे, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। साथियों, ये ऐसा प्रश्न है जिस पर बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। हम क्या करें अगर सरकार जातीय गणना नहीं करवा रही है? तो मेरे ख्याल से लड़ाई के तीन मोर्चे हैं। एक विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, दूसरा मोर्चा कोर्ट है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और तीसरा मोर्चा सड़क का मोर्चा है। और मैं समझता हूं कि ये मोर्चा ही प्रमुख मोर्चा है। अगर इस मोर्चे को हम लोग मिलजुल करके यहाँ जितने साथी जुटे हैं मजबूती दें, मजबूत करें, तो हम जनहित के ढेर सारे कानून बनवा सकते हैं और अपने आरक्षण को भी हासिल कर सकते हैं। ये बेहद कमज़ोर मोर्चा है, लेकिन पिछले दिनों तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जो देश में आंदोलन चला, दिल्ली ही उसकी गवाह बनी। दिल्ली के जो विभिन्न बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, 1 साल 13 दिनों तक लोकतांत्रिक तरीके से किसानों ने धरना दिया, लगातार धरना दिया, और 750 से ज़्यादा किसानों की आहुति हुई, उस आंदोलन में शहीद हुए। इसके बाद मोदी सरकार को घुटने पर आना पड़ा, कृषि कानूनों को सस्पेंड करना पड़ा। तो ये एक नज़ीर है, एक उदाहरण है कि बहुत दिनों के बाद सड़क पर कोई मामला फरियाया, अभी उसको फाइनली फरियाया हुआ नहीं समझा जाए, बल्कि वो सस्पेंड है अभी। अगर ये 400 पार का नारा दे रहे थे, अगर BJP की बहुमत की सरकार बन जाती, तो निश्चित तौर पर ये जो उन कानूनों को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करते। तो खैर, देश की जनता ने उनको 400 पार को जो है नीचे ढकेला कि नहीं, अभी आप नीचे जाओ, हम इस देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र हमको प्यारी है, इसलिए कि तुम्हें 400 सीट चाहिए मनुस्मृति से देश को चलाने के लिए। लोगों ने इनको पीछे ढकेला, लेकिन एक कहावत है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं जा रही है, तो वही हाल इनका है। समय समय पर ये मूलभूत समस्याओं से आम आदमी का ध्यान भटकाने के लिए ये बराबर जो है ये एक एजेंडा उछालते रहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन एडुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए?
ये बराबर इसी ढंग की, जब से ये सरकार बनी है एक कहिए कि भगदड़ की स्थिति इन लोगों ने मचा करके रखा है। जो भगदड़ नोटबंदी से शुरू हुई थी, आपने देखा कोरोना काल में तीन तीन बार के लॉकडाउन में हमने भगदड़ देखा कि लोग कैसे भूख प्यास से लड़ते हुए, मौत से लड़ते हुए दिल्ली हरियाणा पंजाब से अपने गांव के तरफ लौट रहे थे। और ये सरकार सोई हुई थी, 20 लाख करोड़ खर्चा हो गया लॉकडाउन पैकेज, लेकिन ये पैकेज आम लोगों को नहीं मिला। सबकी पूंजी घट गई लॉकडाउन में, कोरोना काल में, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या माने कर्मचारी, लेकिन इसी कोरोना काल में गौतम अंडानी की पूंजी जो है 4,62,00,000 करोड़ की बढ़ गई। ये लोगों को घरों में बंद करके सबके खिलाफ में कानून बना रहे थे, चाहे वो कृषि कानून हो या श्रम जो माने कानून थे देश में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, उसको ख़त्म करके 4 कृषि लेबर कोड हो। तो ये भगदड़ की स्थिति, भगदड़ की स्थिति हमने देखा एनआरसी के टाइम में, सीएए के टाइम में, अभी बिहार में भी एक भगदड़ चल रही है सर्वे के नाम पर, बिहार में भी एक भगदड़ चल रही है सर्वे के नाम पर। तो आदमी इस देश का काम धाम छोड़ करके रोज कागज जुटावे ये साबित करने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम ये जिस घर में रहते हैं वो घर हमारा है। ये इस ढंग की स्थिति इसलिए चाहते हैं कि लोग संगठित नहीं हो, लोग जो है अपने रोजगार की बात नहीं करें, खेती की बात नहीं करें, आरक्षण की बात नहीं करें, इसीलिए ये भगदड़ की स्थिति बना करके रखना चाहते हैं। भगदड़ में ही देखिएगा कि जेब कतरे जो हैं ज़्यादा लोगों की जेब काट लेते हैं, भगदड़ की स्थिति में। ये भगदड़ की स्थिति बना करके रखना चाहते हैं, एक तरफ तो इनका ये प्रयास, दूसरा तरफ हमेशा गाय गेरू हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद में देश उलझा रहे और ये सब कुछ देश का उठा करके अडानी अंबानी को देते रहे, ये पॉलिसी है सरकार की। तो मैं समझता हूँ कि जो एजेंडे पर हम लोग यहाँ सेमिनार कर रहे हैं, ये बहुत ही कारगर और मजबूत एजेंडा है कि भाई जिसकी जो संख्या है, जिस जाति की संख्या हो, वो संख्या माने के आधार पर आरक्षण की सीमा तय हो और उस आरक्षण के आधार पर माने इस देश में जीवन का जो भी क्षेत्र है हर क्षेत्र में आरक्षण मिले, लोगों को आरक्षण मिले। अभी बिहार में जब जातीय गणना हुआ तो वहाँ की सरकार ने कहा कि भाई महागठबंधन की सरकार ने कि हम 95 लाख लोगों को करीब 2 लाख रुपया जो है स्वरोजगार के लिए देंगे, प्रोत्साहन राशि देंगे। और बीच में सरकार ने जब सरकार बदली, एनडीए की सरकार हो गई, तो इन लोगों ने गूंगी साध लिया, चुप हो गए। लेकिन हम लोगों ने उठाया कि दो भाई जब घोषणा हुई है, देखिए गिरा कुछ, जो घोषणा हुई उस घोषणा के आधार पर दो। तो हम लोगों ने CPIML ने बिहार में, भाकपा माले ने बिहार के हर प्रखंड पर, बिहार में जितने प्रखंड हैं सब पर 22 और 23 अगस्त को 22, 23, 24 अगस्त को प्रदर्शन रखा। हम लोगों को ये रिपोर्ट आई कि ये सरकार की घोषणा तो हो गई लेकिन जो CO हैं वो जो आय प्रमाण पत्र है वो 72,000 से नीचे का नहीं बना रहे हैं, वो 80,000 90,000 से ऊपर के बना रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको लेकर के प्रदर्शन आयोजित किया कि भाई तब आप सरकार ही घोषणा करें कि वो कौन 95 लाख लोग हैं जिनको सरकार 2 लाख रुपया देना चाहती है, लिस्ट प्रकाशित करें। अभी पिछले दिनों सरकार ने कहा कि हमने 40,000 लोगों को एक किस्त जो है माने रुपया दिया, एक किस्त 40,000 लोगों को दिया। एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आप 40,000 एक साल में देंगे 40,000 लोगों को, तो आप जो है माने जो 95 लाख लोग हैं उनको देने में तो आपको 200 साल लग जाएगा, 200 साल सरकार रहेगी ये, जो 200 साल में आप जो है 2 लाख रुपया दीजिएगा सब लोगों को। तो हम लोगों ने इसको इशू बनाया ज़मीन पर, ठीक है हम विधानसभा के अंदर लड़ते हैं, लोकसभा के अंदर लड़ेंगे, लेकिन मूल लड़ाई हमारी ज़मीन की लड़ाई है, ग्राउंड की, खेत खलिहानों की लड़ाई है, कारखाना खदानों की लड़ाई है। जो भी हो रहा है देश के अंदर अगर ज़मीन पर खड़ा होकर नहीं लड़ा जाएगा तो हमारे हाथ में जो भी है आरक्षण क्या जो भी है सब कुछ छीना जाएगा। और लड़ेंगे तो पूरा दुनिया हमारी है, पूरा देश हमारा है, आज नहीं तो कल हम उस पर कल कब्जा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा
हम लोग इसमें उठाएंगे, सवाल को उठाएंगे, लेकिन असली मोर्चा सड़क का मोर्चा है, सड़क का मोर्चा है। और मुझको लगता है कि विपक्ष जो भी हो, सरल हो, पाकल हो, अच्छा हो, खराब हो, वही है लड़ने के लिए। उसकी लानत मलानत भेजने से कोई फायदा नहीं है। अभी भाजपा को हटाने का है। ये भाजपा ऐसी आफत है कि कहिए कि पूरा आफत विपत्ति बन करके टूट पड़ी है देश के लोगों के। लगता है किसी के पॉकेट में 10 रुपया है तो क्या नीति अपनाएं कि रुपया निकल करके अडानी अंबानी के यहाँ दे दें। एक स्मार्ट मीटर चल रहा है हम लोग के यहाँ, स्मार्ट मीटर चल रहा है, उसका भी भारी विरोध हुआ हो रहा है। एक आदमी है मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, जगदीशपुर नगर पंचायत है वार्ड नंबर 3 में। 18 माह पहले जबरदस्ती उनको स्मार्ट मीटर लगाया कि लगाना है, नहीं लगाओगे तो FIR करेंगे। लगवा लिए गरीब आदमी। 2 माह के बाद उनका 18 माह पहले बिजली का बिल पूरा तरह से क्लियर था, लेकिन 2 माह के बाद स्मार्ट मीटर इतना तेज चलने लगा। हम लोग सुनते थे कि पैसा खत्म हो जाएगा तो लाइन खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, पैसा खत्म होने के बाद भी वो चल रहा था। इसके बाद वो जाकर के बिजली विभाग में आवेदन दिए कि हमारा काट दीजिए, कटवा दिए लाइन। इसके बाद भी वो स्मार्ट मीटर चल रहा था, रोज 9557 रुपये का बिल उठ रहा था उसमें, 9557। हम लोग 15 दिन पर वहाँ जनसंवाद लगाते हैं। वो आए मोहम्मद मुस्तफ़ा, 2 बार आए, तो तीसरी बार जब आए, दूसरा बार जब आए, पहला बार आए तो उनका बिल था 33 लाख, दूसरा बार आए 15 दिन के बाद तो उनका बिल 35 लाख 5114 रुपया ये बिल था उनका। ये 26 सितंबर की बात है। हमने DM से बात किया, AC से बात किया बिजली विभाग का। इसके बाद अभी 3 सितंबर को उनका बिल जो है 1718 रुपया हुआ, 35 लाख 5114 रुपया से बिल घट के 1718 रुपया हो गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो माने बोल रहे हैं मोदी जी को कि ये सब क्यों कर रहे हैं भाई, आप एक विधेयक लाइए। विधेयक लाने में तो माहिर ही हैं कि जिसके घर में जो भी गहना गुड़िया है, ओड़िया डलिया है, गाय भैंस है, ठीक ना, दाल चाउर है, सब लाद करके अडानी जी के घर में भिजवा दीजिए, ले ये भी लेखो। मैंने क्या तमाशा चल रहा है, इस तरह से देश चलता है? तो खैर, हम लोग लड़ रहे हैं नीचे में, और हताश निराश होने की भी जरूरत नहीं है। लड़ाई चल रही है, जिंदा हैं हम लोग, और जिंदा लोग जो हैं भले अभी कम दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी तादाद बढ़ेगी। इतने ही लोग थोड़े हैं इस चीज़ को मानने वाले, यहाँ जितने साथी जुटे हैं, माने इनकी संख्या इतनी ही है, इतनी नहीं है, लेकिन अभी यही स्थिति है कि इतने ही लोगों को हम जुटा सकते हैं। तो इसे लानत में लानत भेजने से आयोजकों पर क्या फ़ायदा कि क्या सेमिनार बुलाए हैं, इतना ही आदमी जुटा, जो है एक आदमी झंडा लेकर के लड़ने के लिए नारा लगाएगा, सही दिशा होगी, आने वाले दिनों में करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इसी आशा भरोसा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।